बन गए, कोई सा केवल कबाब बनाया जा रहा है भाइयों, देख लो तारच्ची पर, समझ दो उसका दगारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें बिगड़ दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुनते होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। दर्शन करके आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियाँ खा रहे हैं। जिसको ये आके आप कुत्ते को डाल दीजिए कि आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही भोजन द्वारा, कड़ना द्वारा, मैस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया। तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है बहुत अगर नहीं हो रही है, ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन कार्ड को बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएसओ बोल रहा हूँ। एडीजी आ गए साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के बदन दे रहे हैं इस बच्चे, आए दिन आप देख रहे हैं सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं चले जाते वक्त का सुल्तान किया, ये लोग मस्त की बेइज्जती कर रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की मैदता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला रहा हूँ, आप तो बुरी बुला नहीं आप बताओ कहाँ से।